Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश राजकुमार गोली लगने से घायल हो गया। वहीं एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। इस मुठभेड़ में कांस्टेबल राजेश को भी गोली लगी है। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। बदमाशों के कब्जे से एक बाइक, एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। चेकिंग की जा रही थी, चौकी इंचार्ज हैं राजेश और राजेंद्र गिरी और उनके साथ एक कांस्टेबल था राजेश। तो चेकिंग के दौरान एक काले रंग की बिना नंबर की मोटरसाइकिल जिस पर दो लोग सवार थे उनको रोका गया, तो वो रुके नहीं। उसके उपरांत उनका पीछा किया गया और किठोड़ा के जंगल में इनको घेर लिया गया और इसमें फायरिंग की गई उनके द्वारा। जब उन्होंने फायरिंग की है बदमाशों ने, तो फिर पुलिस ने भी रिटेलिएट किया है, जिसके उपरांत एक बदमाश को गोली लगी है और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक कांस्टेबल है उसको भी गोली लगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए जल्द ही एक योजना को अमल में लाने जा रही है। इस योजना के तहत सरकार स्कूली बच्चों को 5 संस्कार सिखाएगी, जिनमें दूसरों में अच्छाई ढूंढना, क्षमा की शक्ति बढ़ाना, दूसरों की मदद का भाव रखना, कृतज्ञता का भाव विकसित करना और संकल्प शक्ति बढ़ाना शामिल है। सरकार ने इस योजना के लिए भोपाल के 25 स्कूलों का चयन किया है। साथ ही सरकार योजना को अमल में लाने से पहले चुने गए स्कूलों के शिक्षकों को 3 दिन की ट्रेनिंग भी देगी। एमपी के इंदौर स्कूल बस हादसे में मरे चारों बच्चों के परिवार ने आंखें दान करने का फैसला किया है। वहीं इन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर के सारे सीबीएसई स्कूल आज बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने हादसे को लेकर जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन इंदौर डीआईजी ने दावा किया कि बस का स्टीयरिंग फेल होने की वजह से हादसा हुआ। ये अपने साइड में आ रहे थे, जब उसका स्टीयरिंग फेल हुआ तो क्रॉस करते हुए रोड से दूसरी तरफ चली गई और उस तरफ से ट्रक आ रहा था, उस ट्रक से जाके फिर गई। हम लोग कुछ चीज़ें भी इसमें चेक करने का हमने देती है। एक तो उसमें स्पीड गवर्नर को तो सबको बोला गया था लगाने को, स्पीड गवर्नर लगा है कि नहीं जी। दूसरा उसका मेक कब का है, कितने साल का पुराना बस था, ड्राइवर का स्वास्थ्य परीक्षण कब हुआ था, उसकी आँख की क्या स्थिति थी। DPS स्कूल से स्कूल बस में 12 बच्चे ड्राइवर कंडक्टर के साथ बाईपास पे निकले थे। 4:15 बजे के आसपास बिचौली हप्सी पुल के ऊपर अचानक बस की असंतुलित हुई और दूसरी तरफ वाले लेन में वो डिवाइडर क्रॉस करके आई और आने वाले एक ट्रक पे सीधे उसकी टक्कर हुई। उस टक्कर में ड्राइवर सहित 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। दिल्ली में संसद के पास प्रेस क्लब में गुजरात के दलित नेता जिग्नेश मेवाणी अपने दोस्तों के साथ खाना खाते दिखे और बाद में यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने पुणे जातीय हिंसा के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। साथ ही जातीय हिंसा मामले में आरोपी बनाए जाने पर सरकार को आड़े हाथ लिया। मुझे टारगेट किया जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त कहने वाले नरेंद्र मोदी जी को, इस देश के प्रधानमंत्री को अब मुंह खोलना होगा। पुणे जातीय हिंसा मामले में जिग्नेश मेवाणी और जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन जिग्नेश के मुताबिक वो हिंसा भड़कने के समय भीमा कोरेगांव में मौजूद नहीं थे। मैं भीमा कोरेगांव गया ही नहीं, तो मेरे चलते हिंसा कैसे हुई, ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिग्नेश मेवाणी ने अपनी दलील में कहा कि वो जातीय हिंसा के बाद बुलाए गए महाराष्ट्र बंद में भी शरीक नहीं हुए और न ही वो मुंबई में बुलाए गए छात्र अधिवेशन में पहुंचे। पुणे में भीमा कोरेगांव युद्ध की 200वीं सालगिरह के मौके पर जातीय हिंसा भड़कने से पहले हुए एक कार्यक्रम में जिग्नेश मेवाणी शामिल हुए थे, जहां दिए भाषण के आधार पर ही पुलिस ने उन पर केस दर्ज किया है। लेकिन जिग्नेश ने उल्टे बीजेपी और आरएसएस पर इसका दोष मढ़ा। जिग्नेश ने जातीय हिंसा के मुद्दे पर सरकार से अपना रुख साफ करने की मांग की, तो बीजेपी ने भी जिग्नेश पर पलटवार किया। आरएसएस पर आरोप लगाकर वो चाहते हैं अपने को बचाना, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कांग्रेस जिग्नेश मेवाणी के समर्थन में सामने आई और बीजेपी पर हमला बोला। मैं जिग्नेश जी की बात से सहमत हूँ, इस सब की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक और समर्थित दलों की है। जिग्नेश मेवाणी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 जनवरी को दिल्ली में सरकार के खिलाफ युवा हुंकार रैली करने का भी ऐलान किया। यूपी के श्रावस्ती में अतिक्रमण हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विवाद तब शुरू हुआ जब अतिक्रमण हटाने के लिए श्रावस्ती के एकौना पहुंची टीम ने बीजेपी चेयरमैन के भाई की दुकान का अतिक्रमण नहीं हटाया। इसके बाद वहां मौजूद लोग चेयरमैन के भाई का अतिक्रमण हटाने की मांग करने लगे। जब अतिक्रमण हटाने के लिए टीम चेयरमैन की दुकान पर पहुंची तो नगर पंचायत चेयरमैन अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच गए, सत्ता का रसूख दिखाने लगे। इसके बाद एसपी के पूर्व चेयरमैन के समर्थक भी वहां पहुंच गए। इसके बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने
आ गए। मामला बढ़ने पर पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय भारत सरकार की एक टीम आ गई है सर्वेक्षण करने के लिए इकोना में साफ सफाई की व्यवस्था हेतु। इसके कारण अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। ये समझौता 8 तारीख तक चलेगा। एक्चुअली अतिक्रमण में जब दुकानों को तोड़ा जा रहा था, सामने से सामान हटाए जा रहे थे, उसमें दोनों दो पक्ष थे, उन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, दोनों पक्षों से तहरीर ले ली गई है, उसके आधार पर मुकदमा लिखा जाएगा। देश में मोबाइल नेटवर्क की स्पीड 4G से आगे बढ़ाने पर चर्चा चल रही है, लेकिन भारत के 50,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जो अभी तक मोबाइल नेटवर्क से जुड़े भी नहीं हैं। दूरसंचार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 9% गांव में अब तक किसी टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क नहीं पहुंचा है। देश के कुल 5,98,004 गाँव में ऐसे गाँवों की गिनती 52,685 है जहाँ अब तक मोबाइल नहीं पहुंचा है। बिना मोबाइल नेटवर्क वाले गाँव का सबसे बड़ा हिस्सा ओडिशा का है। ओडिशा के 10,000 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क मौजूद नहीं है। देश के कुल ऐसे गांव जो अब तक मोबाइल की दुनिया से अछूते हैं, उनमें 21% अकेले ओडिशा में। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5,896 गांव ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क अब तक नहीं पहुंचा है। 4,882 ऐसे गाँव झारखंड में है जहाँ एक भी मोबाइल टावर मौजूद नहीं है। महाराष्ट्र में ऐसे गाँव की गिनती 4,710 है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिलाकर ऐसे कुल 4,511 गांव हैं जहां साल 2018 में भी मोबाइल नेटवर्क का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जनवरी को 2 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे पर ग्वालियर पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री 2 दिवसीय डीजी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में आंतरिक सुरक्षा, IS की ताजा चुनौती, नक्सल और आतंकवाद के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने पिछली कॉन्फ्रेंस में पुलिस सुधार का एजेंडा पेश किया था, जिसकी प्रगति की जानकारी भी वो हासिल करेंगे। DIG कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शिरकत करेंगे। महाराष्ट्र के ठाणे में कपड़े की दुकान में आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरी दुकान में फैल गई। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया।